जयपुर से खबर है। हरबाड़ा में प्रशासन अलर्ट, रोड नंबर 17 में मकान के बेसमेंट में 3 लोगों की मौत से जुड़ा मामला। प्रशासन ने आसपास के करीब 10 से 15 मकान खाली करवाए हैं। आखेड़ा डूंगर स्थित सरकारी स्कूल में अस्थायी निवास बनाया, महिला पुरुष और बच्चों सहित करीब 150 लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई है। स्थानीय पार्षद सुमित मिश्रा ने सभी लोगों को डॉक्टर की टीम से मेडिकल चेकअप भी करवाया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ी हैं। निर्मल जी, बड़ी जानकारी, क्योंकि बेसमेंट में 3 लोगों की मौत के बाद अब आसपास के भी जो मकान है वो खाली करवाए जा रहे हैं। बताइएगा, क्या कार्रवाई अब तक की जा रही है? देखिए शिखा, चूंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील थी, कल वो मौके पर भी पहुंची थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई जहां पर जो 3 जो मृतक थे उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उनको तुरंत मुआवजे की भी उन्होंने घोषणा करवाई। और आज उनके निर्देश पर ही हरमाड़ा में जो जिला प्रशासन है, आपदा प्रबंधन की जो टीम है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रोड नंबर 17 के मकान में जिसमें बेसमेंट में 3 लोगों की मौत हुई थी, उसके आसपास के जो तमाम जो क्षेत्र हैं, खासकर 10-15 मकान ऐसे हैं जिन्हें खाली करवाया गया जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि जिनका जो सड़क से जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया, उसमें कभी भी अगर तेज बरसात आती है तो ऐसा हादसा, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, उसी आशंका को देखते हुए उनसे खाली करवाया गया है। आखेड़ा डूंगर जो है, वहाँ जो सरकारी स्कूल है उसको वहाँ पर एक अस्थायी कैंप के तौर पर, अस्थायी निवास के तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया। वहाँ उनके रहने के, खाने पीने के, उनके तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तमाम जो महिला पुरुष बच्चे हैं, करीब 150 लोग जो हैं, उनको अभी तक वहाँ पर शिफ्ट किया जा चुका है। नगर निगम की तरफ से तमाम उनको खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, जो मेयर है, उनको साफ तौर पर कहा, नगर निगम के अधिकारियों को कहा कि उनके खाने पीने की बिल्कुल उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए हाइजेनिक फूड देना भी बहुत जरूरी है। चूंकि वो अपना घर से दूर रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो स्थानीय पार्षद सुमित मिश्रा और जो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है उनके लगातार मेडिकल चेकअप कर रही है। कोशिश इस बात की जा रही है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। प्रशासन को साफ तौर पर जब दिया कुमारी जी ने कहा कि इस तरह की स्थिति ना हो, और ये स्थिति बनी क्यों, उससे पहले आपदा प्रबंधन को लेकर के क्यों नहीं ध्यान दिया गया, तो तमाम बातें पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता से इन तमाम कामों को देखा जा रहा है। जो लोग जिनका जो डूब में जिनके मकान आ रहे हैं उनको पूरी तरह से खाली करा लिया, एक दो मकान और है जिन साफ तौर पर कहा गया है कि उनको यहाँ से शिफ्ट होना होगा, क्योंकि अगर तेज बरसात आई तो निश्चित तौर पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको तुरंत राहत के तौर पर वहां शिफ्ट कर दिया गया है। उनके खाने पीने के तमाम इंतजाम है, डॉक्टर लगातार उनको देख रहे हैं, उनके रात में किस तरह की वहां पर व्यवस्था रहनी है, कैसे वो रहेंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, कहाँ उनको तमाम जो दैनिक क्रियाएं होती है उनको करना होता है, उन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं वहां की गई है। और साथ ही प्रशासन को ये कहा गया है कि इस तरह के मकानों को कैसे बचाया जाए, किस तरह की उनको अपलिफ्ट किया जाए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। तो तमाम पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है कि वहां की जनता या और जो आसपास के जो क्षेत्र अगर उसमें भी ऐसी स्थिति है तो उनको भी देखा जाए, वहां पर निरीक्षण किया जाए कि ऐसे हालात और कहीं तो नहीं है, ताकि इस तरह की आशंका खड़ी ना हो। तो तमाम दिया कुमारी के निर्देश के बाद तमाम प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पर, और कोशिश की जा रही है कि सबको तुरंत से तुरंत राहत दी जाए और उनके साथ जो भी परेशानी है उसको दूर करने के प्रयास किए जाए। बिल्कुल निर्मल जी, और जयपुर के VKI में जो दुर्घटना हुई उसके बाद इस हादसे से सबक लेते एक बेहतर कदम भी से मान सकते हैं। शुक्रिया निर्मल जी, आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।